बच्चे आज हम लोग देख रहे हैं डे 14 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 8 के, ठीक है। डे 14 में चैप्टर 8 के जो सॉल्यूशन है मेरे पास, टोटल इस चैप्टर में 17 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोगों ने 7 पहले कर लिए हैं। आज हम लोग 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर हैं आप लोग जानते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेल्यूलर, ज़्यादातर आपको कैसे मिलेंगे, यूनिसेल्यूलर दिखेंगे। दे आर जनरली स्मॉल इन साइज, द साइज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स वेरीज फ्रॉम 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इज पोअरली डिफाइंड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मींस द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए वो टू न्यूक्लियस उसके अंदर नहीं रहता है। द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल नेक्ड होगा, ठीक है, ओपन होगा। दे कंटेन सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स, इन एडिशन ऑफ जीनोमिक डीएनए दे हैव स्मॉल सर्कुलर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बोल रहा है, दे आर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीजोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मीजोसोम होता है, जिसको बैक्टीरियल राइबोसोम भी बोला जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनिरीगेशन होती है, मतलब ऐसे कर लिया ऐसे कर, इसको बोलते हैं इनिरीगेशन, ठीक। द एक्सटेंशन ऑफ हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड रेप्लिकेशन डीएनए दे आल्सो हेल्प इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स, ठीक है बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड ग्रीन एल्गा एंड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा एंड बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सप्लेन। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें सेल डिवीजन होती है, बहुत सारे सेल डिवाइड करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ऑल दीज सेल्स आर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ऑल द सेल्स स्पेशलाइज परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, आर ग्रुप टुगेदर एज अ टिश्यू इन द बॉडी, हेंस पार्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाई अ ग्रुप ऑफ सेल्स, डेफिनाइट प्लेस इन द बॉडी। सिमिलरली डिफरेंट फंक्शंस आर कैरिड आउट बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स, दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ सेल्स इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। आपका 9th क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन क्या आपका, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कस ब्रीफ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है आप लोगों को, ठीक है। क्या है ये, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल द रिक्वायर्ड बायोकेमिकल प्रोसेस दैट अ नॉर्मल सेल्स हैज डू नॉट ऑर्डर टू लाइव। मतलब सेल जो होता है वो कैपेबल होता है बॉडी के सभी बायोकेमिकल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। द बेसिक नीड ऑफ द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द सेम, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम नीड टू रिस्पायर, डाइजेस्ट, ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड गेट रिड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंक्शनल एक्टिविटीज ऑलमोस्ट सेम होती है, रिस्पायर करना, डाइजेस्ट करना, फूड को एनर्जी प्रोड्यूस करना और मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, तो ये सभी की ऑलमोस्ट सेम रहती है। सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड सेल आर कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 11 में देखना बच्चों, व्हाट आर न्यूक्लियर पोर। तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे हमारे पास क्या हो रहा था, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जैसे न्यूक्लियस है और इसके बाहर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, देखो बेटा ये होते हैं न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर का काम होता है कि यहाँ से सबस्टांस को एंटर करना और यहाँ से सबस्टांस को बाहर करना। दे आर फाउंड द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से न्यूक्लियर पोर बनते हैं। दीज होल अलो सबस्टांस टू ट्रांसफर इन टू अ सेल एंड अ सेल, दे अलो मॉलिक्यूल सच एज आरएनए एंड प्रोटीन टू एंटर, ठीक है बच्चे। ये आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, बोथ लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स आर एंडोजीनस इन स्ट्रक्चर येट द डिफरेंट फ्रॉम द टर्म ऑफ देयर फंक्शन, है ना। दोनों में क्या होती है बच्चे,
both lysosomes and vacuoles are endomembrane structure. They are endomembrane structure, but they differ in terms of their function. Function ke hisab se wo different hai. Lysosome jo hota hai wo digestive enzyme produce karega. ठीक है, देयर मेम्ब्रेन बॉन्डिंग वैरायटी ऑफ एंजाइम सच एज लाइपेज प्रोटीज कार्बोहाइड्रेट्स द पर्पस ऑफ लाइसोसोम इज डाइजेस्ट वर्म आउट सेल. ठीक है, डाइजेस्ट करेगा वो पैथोजेनिक एजेंट को, वर्म आउट करेगा. दे आर इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फॉरेन फूड पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स. समटाइम्स दे आल्सो एक्ट एज अ सुसाइडल वर्म आउट सेल. दे आर इन्वॉल्व्ड इन द सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल्स. दे आर द काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल. ऑन द अदर हैंड vacuoles are storage sac found in the cells. They might store waste product of the cells in unicellular organisms. The food vacuole content consumed food particle expelling excess water and some waste from the cells. ठीक है बच्चे, vacuoles और lysosomes आप लोगों को समझ में आया क्या क्या function है इसका. Next question है आपके पास. Describe the structure of following with the help of label diagrams. Centrosomes and nucleus. Nucleus देखो बच्चे, nucleus देखो क्या होता है. Nucleus के अंदर nucleus होता है. Nucleus control all the cell activity of the cell. It is spherical in shape. It is composed of following structure. Nuclear membrane, nucleoplasm matrix. ये nucleoplasm होता है. देखो ये इसमें क्या आएगी, nuclear membrane आ रहा है. ये क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, ये nucleus न्यूक्लियर को आ रहा है. ठीक है, ये न्यूक्लियोलस हो गया. ठीक है, सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, कंसिस्ट ऑफ टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल. सेंट्रियोल्स आर लाइक परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच पार्ट वील लाइक ऑर्गेनाइजेशन. ये आ सकता है ये कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है. कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर. सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट दैट आर इवेंचुअली स्पेस्ड इन रिंग. रिंग स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, सेंट्रोसोम्स जो होते हैं दो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल एक होता है. ठीक है, इसका क्या काम होता है, रिएक्शन देखना है, स्पिंडल फाइबर का नाम है. ठीक है, प्रोटीन क्वेश्चन में आप देखेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हम लोगों ने देखा है क्या होता है. ठीक है, जिसका सेंट्रोमियर कहाँ होता है, सेंटर में होता है. सब मेटासेंट्रिक जिसका सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा सा हट के होता है. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा बच्चे, उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, थोड़ा टर्मिनल से थोड़ा पीछे शॉर्ट आर्म्स होते हैं. और टिलोसेंट्रिक क्या होता है, टर्मिनल साइड पर अगर सेंट्रल में प्रेजेंट है. ठीक है बच्चे, तो ये थे इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन. नंबर ऑफ सिक्स क्वेश्चन जो आपको करने थे. ठीक है, सेवन क्वेश्चन, सात क्वेश्चन थे, तो उनको अच्छे से आप लोग रीड करें. उन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है. थैंक यू.